लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने देश भर के लोगों को एक बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती जो है वो की गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के अंदर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पेट्रोल की जो अब नई कीमत है वो 94 रुपए 76 पैसे और वहीं अगर डीजल की अगर बात की जाए तो 87 रुपए 66 पैसे जो है वो पहुंच गई। यानी 2 रुपए की एक कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के लोगों को दी गई है। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से वैट की कीमतों में भी जो है वो कमी की गई है, उससे एक बड़ी राहत जो है वो लोगों को मिली है। कई लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि कितनी राहत जो है वो मिली है। डीजल की कीमतें में कमी सरकार की तरफ से 2 रुपए की गई है, क्या मानते हैं कि बड़ी राहत है सरकार की तरफ से? सर बिल्कुल, पर अभी और होना चाहिए इसमें। 2 रुपया किया है अच्छी बात है, मगर अभी और करना चाहिए इनमें कम से कम 10 रुपया, तब जाके राहत मिलेगा। हमने बोले हैं तो कमर्शियल गाड़ी है और 37,000 रुपए किस्ती देते हैं, उसमें हमारा मेंटेनेंस करता पड़ता है। पार्टी हमारे को उतना दे नहीं पाता है गेस्ट पैसा, मैं कहाँ से मेंटेनेंस करूंगा, इसी में करना पड़ता है मेरे को मेंटेनेंस। और बाकी इसके लिए तो अभी और कम से कम इसमें 10 रुपए कटौती करेगा तब जाके अच्छा होता है। रोजाना कितना पेट्रोल जो है और डीजल जो है आपकी गाड़ी में लगता है? रोजाना सर मेरे को मैक्सिमम 2,000 रुपया समथिंग लगता है, 2,000 तक लग जाता है। उसमें मेरा ड्यूटी जो रहता है इसमें मतलब 2,500 रुपए का ड्यूटी होता है और 2,000 लगी जाता है ड्यूटी। अगर अब पूरा कस्टमर चला दिया 8 घंटा 6 किलोमीटर तो पूरा लगी जाता है, मगर हमारा उसमें कुछ बचत नहीं होता, वही बच जाता है 500-600 हजार रुपए बच जाता है काट पीट के। उसमें भी मेंटेनेंस है गाड़ी का, हर चीज बहुत तरह के बात होता है इसमें। राहत और मिलनी चाहिए, राहत और मिलनी चाहिए। देखिए लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया है जो है वो आ रही है। लोगों का कहना है कि ज्यादा राहत तो सरकार की तरफ से नहीं दी है, लेकिन हाँ थोड़ी राहत जरूर है। हमारे साथ टू व्हीलर वाले भी हैं जो टू व्हीलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर 2 रुपए और डीजल में और पेट्रोल में कीमतों में कमी की गई है, क्या राहत है मानते हैं सरकार की तरफ से? सर राहत नहीं है, चुनावी झूला है, राहत कोई नहीं है सर। ये फिर दाम बाद ही बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट अगर दाम कम करना था तो एटलीस्ट कम से कम 5 रुपए 10 रुपए कम से कम दाम कम होना चाहिए, वो कम होने चाहिए। आम जनता भी अच्छी तरीके से समझती है कि लोकसभा चुनाव है और चुनावी जुमला जो है वो साफ तौर पर लोग इसको बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार को राहत ही देनी है तो कम से कम 5 से 10 रुपए की राहत जो है वो दी जाए, ताकि लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो नजर आए। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।